हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व डिज़ाइन हैज सेट सो इस प्रॉब्लम में हम लोग डिज़ाइन है सेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं इससे पहले मैंने इसका एक और वीडियो बना रखा है जो कि एक इफिशेंट सोल्यूशन नहीं था तो मैंने सोचा क्यों नहीं फिर से मैं बना लेती हूँ इसको ठीक है तो इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या हमें क्या करना है ना यहाँ पर एक हैज सेट डिज़ाइन करना है और साथ में ये भी बोला गया है कि आपको यहाँ पे कोई भी बिल्ट इन हैस टेबल लाइब्रेरीज को यूज नहीं करना है ठीक है और एक क्लास यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है माई सेट जिसमें क्या है तीन फंक्शन है एक ऐड फंक्शन है एक कंटेंस फंक्शन है एंड एक रिमूव फंक्शन है ऐड फंक्शन में क्या है एक आपको क्या करना सेट में एक की ऐड करना है ओके सेट क्या होता है एक काइंड ऑफ कंटेनर होता है ठीक है जिसमें यूनिक वैल्यू होते हैं आपके ठीक है एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब ऐड की करोगे तो की पहले से होगा तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यूनिक वैल्यू है अगर ऐड भी करोगे तो ये वो मतलब पहले से हम चेक कर लेंगे कि पहले से ये वैल्यू है या नहीं है अगर नहीं है तो मैड नहीं करेंगे अगर है तो हम मैड नहीं करेंगे अगर नहीं है तो हम उसको ऐड कर देंगे ठीक है फिर कंटेंट्स की है फिर हम चेक करेंगे कि हे सेट में जो हम बनाए हैं उसमें ये की पहले से मौजूद है या नहीं है अगर मौजूद है डेट मीन्स हम क्या करेंगे रिटर्न ट्रू करेंगे उस कंडीशन में रिमूव की रिमूव की में हमें क्या करना है कि हैश सेट से उस की को रिमूव कर देना है वहाँ से ठीक है ताकि हैश सेट में वो एग्जिस्ट ना करे ओके सो यहाँ पे तीन फंक्शन को आपको क्या करें इम्प्लीमेंट करना है तो इस प्रॉब्लम में हम करेंगे क्या हैश सेट तैयार कैसे करेंगे बनाएंगे कैसे वो हम देखेंगे ओके तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि माई हैश सेट ये क्या आपका कंस्ट्रक्टर है पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है और उसका रिटर्न टाइप क्या होता है नल होता है तो यहाँ पे नल है फिर ऐड में क्या क्या, क्या है बोला गया है कि हैश सेट में आप वन ऐड कर दो तो वन ऐड करने के बाद वन रहेगा हैश सेट में फिर टू ऐड करोगे टू ऐड होगा तो इसका भी वर्ड है तो यहाँ पर नल नल है फिर यहाँ पर कंटेंस है कि यहाँ पर चेक करा है वन है क्या नहीं है वन है तो वन है तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू क्योंकि वन है इसमें ऐड हम किए हुए फिर कंटेंस यहाँ पे थ्री है थ्री नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स देगा रिटर्न यहाँ फॉल्स है फिर ऐड क्या करना है टू को ऐड करना है टू ऑलरेडी एडेड है तो टू ऐड एड करेंगे डुप्लीकेट इसमें नहीं रहता है हेडसेट में ओके तो टू ऑलरेडी है यहाँ पे फिर हम हमारा क्या है चेक करना है टू को टू को चेक करना है तो ट्रू यहाँ देगा फिर हमें रिमूव कर देना है टू को टू को हम रिमूव कर देंगे इसका भी रिटर्न टाइप वॉइड है तो यहाँ पे नल होगा फिर कंटेंस टू चेक कराए टू तो हम डिलीट कर चुके हैं ना तो डिलीट कर चुके हैं तो रिटर्न क्या करेगा ये फॉल्स करेगा तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ओके okay? यहाँ पे हमें ये बोला गया कि कोई भी आप हैश टेबल लाइब्रेरी यूज़ नहीं करोगे ओके सो यहाँ पे हम ना क्या करेंगे दो फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे एक हैश फंक्शन यूज़ करेंगे हैश फंक्शन क्या होता है हमारा यहाँ पे हैश फंक्शन जो होता है आपको अगर नहीं पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप क्या करो पहले पढ़ लो उसके बारे में हैश फंक्शन के बारे में एंड चेनिंग के बारे में ओके okay? तो हैश फंक्शन क्या होता है ना एक डेटा मैप करने का एक फंक्शन होता है कोई भी आर्बिट्री डेटा को क्या करता है जिसमें क्या होता है ना आपका कोई भी साइज़ फिक्स नहीं है डेटा का ठीक है रैंडम कुछ भी हो सकता है तो आप क्या करते हो उस डेटा को एक फिक्स साइज में मैप करते हो ओके तो हम समझेंगे कि वो हैश फंक्शन हम क्रिएट कैसे करेंगे यहाँ पे यहाँ पे करेंगे ना हम पहले तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे हम हैश फंक्शन का यूज़ करेंगे ओके सो हैश फंक्शन जो यूज़ करेंगे उसका साइज जो हम ले लेंगे ना जो हैश टेबल हमारा बनेगा उसका साइज जो हम करेंगे ना लेंगे क्या इसका साइज टेन ले लेंगे, ले लेंगे ठीक है और इसमें हम क्या करेंगे इसका साइज हम टेन ले लेंगे ओके सपोज ये मेरा टेन साइज का है उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे इसका इंडेक्स कितना कैसा होगा हमारा जीरो होगा ठीक है वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा फाइव होगा सिक्स होगा सेवन होगा एट होगा नाइन होगा टेन साइज कर लिए हम ये हो गया ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि जो भी यहाँ पे देखो जो भी डेटा हमें ऐड करने के लिए बोला जाएगा उसको हम सिंपली क्या करेंगे उसको हम क्या करेंगे जितना हम साइज़ लिए हैं यहाँ पे यहाँ पे टेन लिए हैं टेन से इसको डिवाइड कर देंगे जो भी रिमाइंडर होगा उस इंडेक्स पे हम क्या करेंगे उस डेटा को एंटर करेंगे तो यहाँ पे वन है वन को अगर आप टेन से डिवाइड करोगे यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ कितना होगा आपका वन होगा तो वन इंडेक्स पे हम इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे ठीक है एलेवन ऐड कर दिया ठीक है यहाँ पे टू है तो टू को आप टेन से फिर से करोगे यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा यहाँ टू होगा तो यहाँ पे आपके स्... इस सॉरी यहाँ वन होना चाहिए था ये टू तो ऐसे हम क्या करेंगे सारे डेटा को उसके एक प्लेस पे हमें ऐड कर देंगे सब कोई हो सकता है कि आपको डेटा आगे चल के कोई अलेवन मिल जाए तो अलेवन को भी आप जब डिवाइड करोगे टेन से राइट टेन से डिवाइड करोगे तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा वन होगा तो इसको कहाँ ऐड करेंगे इसको भी हम यहीं पर ऐड करेंगे लेकिन यहाँ पर जो ये ऐड होगा ना समझ लो एक से 2D तरह से टू डी वैक्टर की तरह लेकिन यहाँ पे ये यह वैक्टर नहीं लेंगे हम एक वन डी में वैक्टर ऑफ लिस्ट लेंगे एक्चुअली में तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस आग वन के अगला एलिमेंट जो होगा हम एक तरह से स्टोर कर लेंगे कि वन के बाद जो हम यहाँ पे इस इसी इंडेक्स पे हम क्या करेंगे पहले तो वन था वन को पुश कर देंगे इसी इंडेक्स पे हम क्या करेंगे अलेवन को भी पुश कर देंगे ठीक है फिर हम क्या करेंगे सपोज यहाँ पे ट्वेल्व आपको मिलता कोई नंबर आगे चल के ऐड करने के लिए बोलता है ट्वेल्व है आपका कि आप ऐड करो ट्वेल्व को आप कहाँ ऐड कर दे टू पहले से ऐड हो चुका है इस टू इंडेक्स पे तो ट्वेल्व को आप क्या करते हैं टेन से डिवाइड करते हैं ठीक है यहाँ पे करते हैं यहाँ पे क्या होता है ये रिमाइंडर आपका टू देता टू देता तो टू जो हमारा होता है ना एक्चुअल में ये इंडेक्स होता है इस इंडेक्स पर हमें क्या करना वैल्यू को स्टोर करना है तो हम यहाँ पर टू डी ले रखे हैं ना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे अगला एलिमेंट ये ऐसे समझ लो ऐसे है ये ऐसे जाएगा ऐसे ये ऐसे ठीक है ये ऐसे ये आप ऐसे ही क्या करोगे सारे एलिमेंट को ऐसे ऐड करते चलोगे ओके जो भी फोर लाइक यहाँ पे फोर आता है आप फोर यहाँ पे ऐड करते हैं उसके बाद हो सकता है तो आपको फोर्टीन मिलता है नहीं ऐड करते यहाँ पे ट्वेंटी फोर मिलता है यहाँ पे ऐसे ऐड करते ठीक है कि जो यहाँ पे कंसेंट जो दे रखा है ना हमारा यहाँ पे ये देख रखा है वन मिलियन तक हो सकता है तो वन मिलियन तक तो हम डेटा स्टोर मतलब इतना बड़ा साइज़ हम लेना ले नहीं सकते है ना वन वन इससे पहले जो मैंने सॉल्यूशन दिया था उसमें क्या कर था कि वेक्टर uh, जो लिया था वन मिलियन साइज का जो कि एक एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना हम वेक्टर लेंगे टेन साइज का और वो टू डी होगा एक्चुअली वैक्टर ऑफ लिस्ट होगा ठीक है क्योंकि हम लिस्ट यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं वैक्टर ऑफ लिस्ट क्यों कर रहे हैं ताकि हमें रिमूव करने में डेटा जब भी हमें यहाँ पे रिमूव के लिए आएगा तो हम डेटा को रिमूव इजली कर सके इसलिए हम यहाँ पे ना वेक्टर ऑफ लिस्ट का यूज करेंगे ओके टू तो डी वैक्टर यूज नहीं करेंगे ओके एंड यहाँ पर जब भी ट्वेंटी या आपका यहाँ पे थर्टी फोर ऐसे करके कोई आता है जिस तरह फोर होगा तो इस वाले में ऐड होते चले जाएगा फाइव आता है तो आप यहाँ ऐड कर दोगे अगर यहाँ पे फिफ्टीन आएगा तो आप यहीं पे ऐड कर दोगे ठीक है इस इंडेक्स पे ऐड करते चलोगे फिर सिक्स रिमाइंडर आएगा तो ऐसे ऐड करते चलोगे फोर रिमाइंड सेवन आएगा रिमाइंडर तो आप इसमें ऐड करते चलोगे फिर एट रिमाइंडर आएगा तो इसमें ऐड करते चलोगे फिर नाइन रिमाइंडर आएगा तो इसमें ऐड करते चलोगे ठीक है यहाँ पे मैंने टेंथ साइज लिया आप जित आप पे डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हो आप हंड्रेड भी ले सकते हो ठीक है आप चाहते हो कि एलेवन रिमाइंडर वाला हम अलग से करें यहाँ पे यहाँ पे टेन यहाँ एलेवन ऐसे अब साइज ये टेबल का आप हैश टेबल का साइज कितना भी ले सकते हो है ना तो मैंने टेन ही लिया है यहाँ पे मैं क्या करूँगी आपको यहाँ पे चेंज करके भी दिखाऊंगी कि आप अगर चेंज करते हो तो क्या आंसर में फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ेगा कुछ भी नहीं होगा आप हैश टेबल कितना भी ले सकते हो ठीक है तो यहाँ पे हम एक्चुअली कर रहे हैं कि डेटा जो ले रहे हैं ना इसको मैप कर दे रहे हैं यहाँ पे तो ये हैश फंक्शन हमारा ऐसे वर्क करेगा हम क्या करेंगे हैश फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि मुझे क्या करेगा ना इसका इंडेक्स निकाल के देगा इंडेक्स निकाल के देगा हम क्या करेंगे उसी इंडेक्स पे डेटा को पुश करते चलेंगे पुश करते चलेंगे ठीक है और कुछ नहीं करेंगे तो एक हैश फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम क्या करेंगे जितना भी मेरा की दिया हुआ है ना की को क्या करेंगे ना हम टेन से डिवाइड कर देंगे टेन सपो ये की है मेरा जो भी दिया रहेगा जिसे ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे उसको टेन से डिवाइड कर देंगे टेन से डिवाइड करोगे द रिमाइंडर कितना आएगा जितना रिमाइंडर आएगा वो मेरा इंडेक्स होगा और उस इंडेक्स पे हम क्या करेंगे डेटा को ऐड करते चलेंगे ठीक है और ये मेरा क्या है ना एक्चुअली चेनिंग इसी को बोलते हैं ये आप जब आपका क्या होता है ना कॉलिजन होता है लाइक यहाँ पे आप वन ऐड किए सपोज आपको अलेवन ऐड करना होता है तो आपको इसी में ऐड करना है ना तो आप यहाँ पे क्या करो चेन बना दो यहाँ पे इसका चेन बना दो जिसके लिए हम लिस्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये वेक्टर और इसका लिस्ट ठीक है तो इसी को चेनिंग बोलते हैं आपको अगर पहले से नहीं पता है तो इसके बारे में थोड़ा तो पढ़ सकते हो ठीक है ज़्यादा अच्छा रहेगा समझना तो ये हमारा रहेगा मेनली हैश फंक्शन यूज़ करने का अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं ओके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं हम क्या करेंगे ना यहाँ पे यहाँ पे सिम एट टेन साइज का ले लेंगे ओके ले लिया ओके एंड ये मेरा एक्चुअली में वेक्टर ऑफ लिस्ट है ठीक okay? है वेक्टर ऑफ लिस्ट है एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे हैश फंक्शन क्रिएट करेंगे हैश फंक्शन क्या होगा हमें इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट करके देगा देगा कि कोई भी की को आपको किस इंडेक्स पे ऐड करना है एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और यहाँ पे करेंगे क्या हैश फंक्शन ये तो हमारे ये क्या है माई हैश सेट ये आपका कंस्ट्रक्टर है ये रिटर्न नल करेगा क्योंकि ऐसा कोई रिटर्न टाइप होता नहीं है फिर ऐड आया आपका वन वन को क्या करोगे पहले तो आप इसको तो कहाँ ऐड करेंगे इसके लिए हम हैश फंक्शन को कॉल करेंगे हैश फंक्शन क्या देगा हमें एक इंडेक्स देगा कि आप इसको ना इस इंडेक्स पे ऐड करो तो वन है वन को टेन से अगर कर डिवाइड करोगे तो कौन सा इंडेक्स देगा वन देगा, देगा इसको यहाँ पर ऐड करो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे फिर यहाँ पर ऐड है ऐड टू है टू को भी हम क्या करें हैश फंक्शन टू के लिए कॉल कर, ले, कर लेंगे तो पे इंडेक्स में वो क्या मिलेगा two मिलेगा ओके तो वन तो है, है, आप, आप है, है या नहीं, है, okay? है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे ना इसके पहले तो देखेंगे कि 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 की पे होगा किस इंडेक्स पे होगा जिसको आप बोल रहे हो ढूंढने के लिए उस वो किस की पे होगा तो हम फिर इसके लिए भी हैश फंक्शन कॉल करेंगे एक इंडेक्स रिटर्न करके देगा बोलेगा इस इंडेक्स पे है तो हम क्या करेंगे उस इंडेक्स पे जो लिस्ट है उस पर सारे में चेक कर लेंगे कि ये वैल्यू है या नहीं है अगर है हो सकता था आपको यहाँ पे एलेवन बोलता एलेवन होता सब कुछ अपने कभी ऐड कर रखा होता है अलेवन आपको अलेवन बोलता अलेवन यहाँ पर ऐड होता क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या होता है वो मेरा वन होता है ठीक है तो इसमें ऐड करते हैं हम यहाँ पर और फिर इसी को ढूंढने के लिए बोलता कि ये यहाँ पे है या नहीं है तो अब क्या करते इसको यहाँ पे फाइन करते कि किस इंडेक्स पे है तो ये रिमाइंडर हैश फंक्शन है कॉल करते तो रिमाइंडर आपको वन देता फिर वन इंडेक्स पे जितना लिस्ट है सारे वैल्यू को चेक करते अगर मिलता तो हम रिटर्न ट्रू करते ओके तो यही वन के लिए जब चेक करेगा तो ये इंडेक्स मिलेगा फिर इस इंडेक्स के लिए चेक करेगा कि ये इसमें मौजूद है या नहीं है मौजूद है तो रिटर्न ट्रू तो यहाँ पे रिटर्न ये ट्रू देगा ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक और अलग से सर्च फंक्शन भी बना देंगे जो कि ढूंढ के देगा कि ये इसमें प्रजेंट है या नहीं है तो हम यहाँ पे दो फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं एक सर्च और एक एक हम करने वाले हैं हैश हैश फंक्शन ओके फिर कंटेंट थ्री के लिए फिर थ्री के लिए कौन सा इंडेक्स देगा रिटर्न करके हैश फंक्शन थ्री लेकिन थ्री में हम कोई वैल्यू है ही नहीं तो यहाँ पे रिटर्न क्या देगा ये फॉल्स यहाँ पे रिटर्न ये फॉल्स देगा ओके एंड अगेन हम क्या करने वाले हैं उसके बाद के बाद हम ये कंटेंस थ्री हो गया ये ऐड ऐड टू करने वाले हैं ऐड पहले से अब टू ऐड कर रखे हो तो आप चेक कर लोगे क्या ये टू पहले से मौजूद है सर्च कर लेंगे हम सर्च फंक्शन को कॉल कर लेंगे क्या टू पहले से मौजूद है क्या है तो हम ऐड नहीं करेंगे उसको ऐड यहाँ पे करेंगे ही नहीं लिस्ट में ऐड ही नहीं करेंगे ओके फिर कंटेंस हमारा है टू टू के लिए सर्च सर्च फंक्शन को कॉल कर लेंगे ये ढूंढ के दे देगा इस इंडेक्स पे कि ये है मौजूद है या नहीं है मौजूद होगा तो देंट ट्रू अदरवाइज फॉल्स ये हो गया फिर हम रिमूव कर देंगे टू को टू को हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे पहले तो हम क्या करेंगे इसको ढूंढ लेंगे इस इंडेक्स पे ये की जो है किस इंडेक्स पे हो सकता है पे है ढूंढ लेंगे फिर उसको वहां से रिमूव कर देंगे यहां से हम क्या करेंगे रिमूव कर दिए फिर यहाँ पे टू हम यहाँ पे सर्च करेंगे कंटेंट्स यहाँ पे तो हमें मिलेगा नहीं फिर से तो हम यहाँ पे टर्न फॉल्स कर देंगे तो हमारा ये सिर्फ है यही हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पे हमें एक हैश फंक्शन क्रिएट करना है जो कि हमें उसकी को इस हैश टेबल में हमें कहाँ पे क्रिएट करना है हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है वो हैश फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा ठीक है वो एक इंडेक्स रिटर्न करके देगा हम वहीं पे ऐड करेंगे और सर्च फंक्शन हमें ढूंढ कर देगा क्या ये पहले से यहाँ पे मौजूद है या नहीं है ठीक है तो दो ही फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम जो हैश टेबल यूज करेंगे वो एक्चुअली हम क्या करेंगे एक वैक्टर ऑफ लिस्ट यूज़ करेंगे ओके okay? तो हम यहाँ पर वैक्टर ऑफ लिस्ट ले लेते हैं लिस्ट ले लिया लिस्ट इंट इंटीजर वैल्यू एंड वी वी ले लेते हैं ठीक है और साइज जो हम लेते हैं वो ले लेते हैं टेन ले लेते हैं लो अब कुछ भी ले सकते हो मैं दिखाऊंगी वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो मिलनी मिलनी क्या करेगा ना इंसर्ट करने का किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है वो हमें एक्चुअली ये फाइन करके देगा तो साइज इसलिए हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे तो हम क्या करते वी को रिसाइज कर देते हैं इस कंस्ट्रक्टर में कि ये इसका साइज होगा इस साइज के इक्वल है ठीक है ये हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एक हैश फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि क्या करेगा आपको उसकी को कहाँ पे ऐड करना है वो एक्चुअली देगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंट की ले लेंगे और इंट आई आई जो होगा की को क्या करेंगे हम टेन से साइज से एक्चुअली जो साइज है ना उससे हम एक्चुअली कर रहे होते हैं यहाँ पे टेन हम इसलिए ले रहे हैं और ये क्या है साइज ले हो तो आपको कहाँ इंडेक्स कहां तक मिलेगा जीरो से ले लेके नाइन तक मिलेगा ओके तो यहाँ पे ये माँ है ये क्या इंडेक्स करके देगा सर्च फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे बोल लेते हैं रिटर्न टाइप सर्च ये एक्चुअली ना की को सर्च करके देगा ये की मौजूद है या नहीं है तो अब की को ढूंढोगे किस किस इंडेक्स पे ढूंढोगे जो आई हैज फंक्शन रिटर्न देगा वहीं पे हम ढूंढेंगे ठीक है तो इसको क्या करेंगे ना हम क्या करेंगे यहाँ से पहले इसको इस की हैज फंक्शन को कॉल कर लेते हैं इंट आई इक्वल्स टू हैज की यहाँ पे इसको क्या करते हैं कॉल कर लेते हैं फिर क्या हो जाएगा कि आपको इसी इंडेक्स पे सर्च करना है ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ये वेक्टर ऑफ लिस्ट ने रखा है हम यहाँ पे देखो फाइंड करना है, कैसे करते हैं हम लिस्ट में फाइंड का यूज कैसे करते हैं एक फाइंड हमारा इनबिल्ड फंक्शन होता है एस टी एल में सी प्लस प्लस का जो हमें क्या करता है एक एक pointer, जिस pointer पे हो, हो सकता है जिस पॉइंटर पे होगा वो पार्टिकुलर की वो हमें ढूंढ के देगा ठीक है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्चुअली हम एक इटरेटर का यूज करते हैं इंटर इटरेटर आई टी एंड फाइंड यूज़ करते हैं फाइंड हमारा कैसे यूज़ होगा bi आई डॉट बिगिन ओके उस इंडेक्स के लिस्ट से हम ढूँढेंगे लास्ट तक bi आई डॉट इंड तक ठीक है और किसको ढूँढना है की को ढूंढना है ओके okay? और ये आई टी जो ये आपको एक्चुअली एक पॉइंटर है अब इस आप यहाँ पे फिर चेक करोगे कि आई टी नॉट इक्वल्स टू dot आई डॉट इंड अगर ये लास्ट लास्ट एलिमेंट पे नहीं गया होगा डैट मीन्स वो कहीं बीच पे आपको मिल गया होगा अगर इंड तक नहीं पहुंचा होगा डैट मीन्स आपको मिल गया होगा डैट मीन्स ये यहाँ पे क्या है मौजूद है ठीक है यहाँ पे क्या है मौजूद है अदरवाइज रिटर्न ये फॉल्स होगा ओके okay? ये हो गया देखो अब हम क्या करेंगे ऐड की को ऐड करेंगे ऐड के लिए हम क्या करेंगे पहले चेक करेंगे क्या वो जो एलिमेंट हम ऐड करने वाले क्या वो पहले से मौजूद है क्या अगर मौजूद है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे अदरवाइज ऐड करेंगे तो आप उसकी को कहाँ ऐड करोगे ये कह, कैसे पता चलेगा आपको हैश फंक्शन से पता चलेगा वो आपको क्या करेगा एक इंडेक्स रिटर्न करके देगा उसी इंडेक्स पे हम रिटर्न की को ऐड करेंगे तो पहले तो हम क्या करते हैं उस इंडेक्स को फाइंड कर लेते हैं कि हम की को ऐड कहाँ पर करेंगे पहले तो हैश की तो, तो एक इंडेक्स आपको देगा कि आप इस इंडेक्स पे आप क्या करोगे की को ऐड करने वाले हो ठीक है तो फिर क्या करो पहले तो आप चेक कर लो सर्च की अगर ये ट्रू है अगर ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे नहीं ऐड करेंगे अगर ट्रू नहीं है यहाँ पे इसलिए हम ट्रू नहीं है उस कंडीशन में हम ऐड करेंगे ठीक है तो ऐड कैसे करेंगे आई डॉट पुश बैक इसी पे ऐड करेंगे ना की को अदरवाइज हम क्या करेंगे ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे ऐड कर दिया आयथ इंडेक्स पे जो लिस्ट है यहाँ बैक करते चलेंगे उस अगर उसके बाद कोई एलिमेंट होगा उससे पहले तो उसके बाद वो ऐड होगा ठीक है तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया अब है हमारा रिमूव ओके okay? अब है हमारा यहाँ पे रिमूव हमें क्या करना है पहले तो उस की को जो की हमारा दे रखा है उसको तो चेक करना है कि वो पहले से प्रेजेंट है या नहीं है तो पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी उस इंडेक्स पे चेक करेंगे कि ये किस इंडेक्स पे हो सकता है पहले उसकी को देखेंगे ढूंढेंगे। पहले ढूंढना हमारा काम है पहले आप क्या करोगे सर्च करोगे सर्च की अगर ये ट्रू होगा तभी हम क्या करेंगे यहाँ पे वी आई वी आई डॉट रिमूव रिमूव फंक्शन आपका ऑलरेडी प्रजेंट है इसमें लिस्ट में तो आप यहाँ पे कौन रिमूव किस को करना है इसकी को करना है ये प्रजेंट है सर्च हो गया अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे ये रिमूव कर देगा ये रिमूव कर देगा ये आपका फाइनली हो जाएगा अब कंटेंट्स ये है कंटेंट्स अब डिपेंड करता है अब किस पे सर्च को कॉल कर लो यहाँ पे सर्च को कॉल कर लो यहाँ पे आ, सर्च की की को कॉल कर लो यहाँ पे ये रिटर्न करके देगा कि ये मौजूद है या नहीं है ओके ये अगर रन ट्रू दिया तो मौजूद होगा अदरवाइज फॉल्स कोड को रन करते हैं ओके कोड रन हो चुका है सबमिट करते हैं सबमिट हो चुका है ठीक है देखो अब मैं क्या बोल रही थी कि ये साइज है ना आप टेन एलेवन ट्वेल्व कितना भी आप ले सकते हो डिपेंड करता है आप पे इससे क्या होगा ना जो कॉलीजन है जितना अगर इसका साइज जितना बड़ा लोगे ना तो ये जो कॉलीजन हो रहा है ये लिस्ट जो तैयार होगा ना एक कम साइज का होगा ओके अगर, अगर छोटा जितना लोगे उतना आपका क्या होगा ना ज़्यादा साइज का ये लिस्ट तैयार होगा तो हम यहाँ पे ना ये साइज़ हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ये साइज है अलेवन भी करोगे इसको रन करोगे देखो ये रन हो जाएगा यहाँ ये ट्वेल्व भी कर सकते हो थाउजेंड भी कर सकते हो फोर थाउजेंड भी कर सकते हो आप इसको चेंज करके देख सकते हो ओके थैंक यू थैंक्स फॉर वॉच